अगर तोहीद नहीं है भाई कोई देखी कि अल्लाह तआला की बारगाह के कबूल नहीं। चाहे हम सारी रात इबादत करें, मुसल्ले पर गुजारे और दिन सारे का सारा रोजे के अंदर गुजारे, तोहीद अगर नहीं है तो हमारी किसी भी नेकी का कोई फायदा नहीं। तोहीद मजबूत अब्दुल्लाह बिन जर्रा करा सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्लाह बिन जर्रा मर गया है, वो जन्नत के अंदर गया है या जन्नत के अंदर गया है? कब्र कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही की रोशनी के अंदर फरमाया, क्या मेरे सहाबा वो जहन्नम के अंदर गया है? सहाबा ने अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्लाह बिन जर्रा भाई क्या करता है? उसे बड़े फलाह सिस्टम तश्कील दिए, भूखों को खाना खिलाता था, प्यासों को पानी पिलाता था, बेकसों के काम आता था, मोहताजों की मदद करता था, कितने ऐसे थे जिनकी कोई मदद नहीं करता था, अब्दुल्लाह बिन जर्रा करता था, कितनी बेटियां ऐसी थी जिनकी शादियां ही हो रही थी, अखराजात नहीं थे, अब्दुल्लाह बिन जर्रा ने मासूमों की बच्चियों की शादियां करवाई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा जो तुम कह रहे हो ठीक है, उसके अंदर हर नेकी थी लेकिन उसके अंदर तौहीद नहीं, तहीद ना होने की वजह से अल्लाह ताला ने ना उसकी सहाबत को देखा, ना उसकी इबादत को देखा, ना उसके भूखों के काम आने को देखा, ना प्यासों को पानी पिलाने को देखा, कोई ऐसी काम नहीं आई, क्यों? तौहीद नहीं। अबू तालिब रसूलुल्लाह के चाचा, कितने इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात है लेकिन तौहीद नहीं है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मेरा चाचा अबू तालिब भी नहीं, लेकिन जिसके पास तौहीद नहीं है, शिर्क है, अल्लाह ताला को कभी माफ नहीं करेंगे, हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम की आग के अंदर डाल दिया है। इल्ला हुवा युश्रिक बिल्लाह फकद हरमल्लाहु अलैहि जन्ना वमअवाहु नार, जिस शख्स ने अल्लाह के साथ शरीक ठहराया, शिर्क किया, उस पर जन्नत हराम हो जाती है, जहन्नम बाजी हो जाती है। ये कुरान का रहता है, ये अल्लाह ताला का फरमान है, शिर्क के मुआफी नहीं है। इंसान जन्नत के अंदर चला जाए है वो वाकई मार पड़ेगी, जहन्नम के अंदर रहेगा लेकिन निकल आएगा। अगर शिर्क है, जितनी भी नेकियां है सारी सारी नेकियां हसनात इबादात रियादात रोजे सदके सहाबे ज़कात सदके सब के सब नेकियां उसकी जाय कर दी जाएगी, उसके आमाल के अंदर शिर्क आ जाएगा। बड़े दुख की बात है, लोग नारा लगाते हैं या रसूलुल्लाह मदद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारते हैं, उनसे मदद मांगते हैं, ये अल्लाह ताला का हक है, अल्लाह से मांगना चाहिए। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही हमें सिखलाया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही हमें बताया है, उनकी ही तालीम है कि लोगों मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह से ना मांगो, मैं हाजत रवा नहीं, मैं मुश्किल कुशा नहीं, मैं जाता नहीं, मैं बुलाते नहीं देता, मैं रिज़्क नहीं देता, एक अल्लाह रिज़्क देता है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही तालीम है। लेकिन अलीर मुर्तज़ा नहीं है, कुछ के कुशा नहीं है, दाता नहीं है, दस्तगीर नहीं है, बिगड़िए बनाने वाले नहीं है, बुलाते देने वाले नहीं है, जो शिर्क की इबादत करता है वो मुशरिक बन जाता है, कुछ मुशरिक बन जाता है।